सिद्धेश्वर सिंह राणा है। मैं तेलंगाना शेड्यूल्ड कास्ट मैथर समाज संस्था का एडवाइज़र हूँ। आज जो संपूर्ण भारत देश में दलित गुस्से में और आक्रोश में जो भरा हुआ है, उसका एक मुख्य कारण यह है कि दलित एक्ट में के खिलाफ देश भर में आंदोलन किया जा रहा है और तुरंत गिरफ्तारी पर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, इसके विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। और आर्यो जो दलित समुदाय का जो शोषण करते हैं, जो आरोपी होते हैं, उनको अग्रिम जमानत देने का ये विरोध है। तो दलित समुदाय इन विरोध को लेकर इतना उगारू हो चुका है कि हम दिली भावना बता नहीं सकते। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को और भारत सरकार को मालूम होना चाहिए, ये जो शोषण हो रहा है दलितों पर, ये जो अत्याचार हो रहा है 5000 साल से हो रहा है, और भारत देश जब से आज़ाद हुआ है 70-72 साल से, आज तक भी अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गांव गरीब में जो दलित रह रहे हैं, बस रहे हैं, वो लोग अपनी मर्जी से शादी ब्याह तक नहीं कर सकते। वो लोग आज पूरी तरह आज़ादी से अपना काम कर नहीं सकते। उन लोगों पर आए दिन इतने अत्याचार किए जाते हैं कि हम व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से देखकर हमारा खुद का सीना जलने लगता है, खून में एक आग बबूले के टाइप में उबाल आता है। तब मैं पूछना चाहूँगा माननीय उच्च न्यायालय से, उस समय पर जो शोषण हो रहा था दलित समुदाय का, उस अत्याचार अधिनियम का संविधान में संशोधन किया गया था 11 सितंबर 1989 में। 11 सितंबर 1989 में जब इसको लागू करने का प्रस्ताव रखा गया था, तो कुछ ना कुछ तो सोचकर ही रखा गया होगा कि भारतीय संविधान सन 1950 में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित किया गया था, तब भी दलितों के जो हक अधिकार थे परमपिता परमात्मा बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की ओर से उनको सिक्योर करने के लिए किया गया था। आरक्षण कोई भीख नहीं है, मुख्य धारा से जोड़ने की एक व्यवस्था है। जो मुख्य धारा से जोड़ने की जो व्यवस्था है, आज भी पूरे भारत देश में लागू नहीं हुई। क्यों नहीं हो रही है ये? क्योंकि उच्च कोटि के लोग आज भी दलित समुदाय को अपनी चप्पल की नोक पर रखना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आप में और हम में फर्क क्या है? अरे हम भी इंसान हैं, आप लोग भी इंसान हैं। आप भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं। फिर हमसे ये छुआछूत क्यों? हमसे ये भेदभाव क्यों? जब 1989 में ये प्रस्ताव रखा गया था दलित अत्याचार अधिनियम का, इसको 11 सितंबर 1990 में पूरे पार्लियामेंट, भारत के पूरे पार्लियामेंट में पारित किया गया था और पूरे संपूर्ण भारत देश में इसको लागू किया गया था, तो कुछ ना कुछ सोचकर तो किया गया था। तो आपने इसके अंदर संशोधन कर इस दलित अत्याचार अधिनियम पर इस तरह की रोक लगा कर तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? दलितों के हाथ काटना चाहते हैं आप? दलित यूं ही अत्याचार से और शोषणों से मर जाए ये चाहते हैं आप? या इनको मुख्य धारा से उखाड़ फेंकना चाहते हैं आप? सोचिए, दलित भी एक इंसान है। दलितों पे इतना अत्याचार ठीक नहीं है देश के अंदर। दलित भी शांति चाहता है, वो भी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करता है। दलित भी यह चाहता है कि पूरा भारत जो वर्ष है, ये भी पूरे देश के अंदर अपना नाम ऊंचा करे, ये भी जितने संसार के देश है उनमें अपना एक अस्तित्व रखे। ये आगजनी करके, ये आंदोलन करके, ये विरोध करके हमको क्या मिलेगा? आज देश के 50% से ज़्यादा दलित, आज देश के अंदर जो संख्या है 50% दलितों की संख्या है। इन 50% दलितों को आप इस तरह नकार नहीं सकते। 20 मार्च को उच्च न्यायालय का जब फैसला आया था, उस पर सरकार क्या कर रही थी?
तभी एक्शन क्यों नहीं लिया गया? उच्च न्यायालय ने आदरणीय राष्ट्रपति के आदेशों को भी नकार दिया गया, क्योंकि वो एक दलित समुदाय का है। इस कारण हमारी क्या हैसियत रह चुकी है इस भारत में? आपको पता होना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा था उसके अंदर दलितों को सेक्योर करने के अलग अलग अनुच्छेद बनाए थे। आज आप उसमें आज संशोधन कर क्या हासिल करना चाहते हैं? यह बहुत ही गलत है। दलित समुदाय ने आह्वान किया है, इसको शांतिपूर्ण ढंग से करना चाहते थे, सबसे प्रार्थना करना चाहते थे, रिक्वेस्ट करना चाहते थे कि आंदोलन में हिस्सा लिए। कई समुदाय के लोगों ने भी हिस्सा लिया है। ये नहीं चाहते कि भाई दलितों के साथ जो ये अधिनियम है जो इसको गलत रूप से पारित किया जाए। अगर इस अत्याचार अधिनियम को इस तरीके से हम सरल बना देंगे तो जो अत्याचारी है उनके हाथ मजबूत हो जाएंगे, उनके हाथ मजबूत हो जाएंगे और वो अत्याचार पर अत्याचार करते रहेंगे, दलितों का शोषण होता रहेगा। आज भी उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, गुजरात के, हरियाणा के, ऐसे राज्यों में सार्वजनिक स्थानों पर पानी तक भरने नहीं दिया जाता, सार्वजनिक स्थानों पर कुछ लेने से रोका जाता है। अभी हाल ही की बात है, एक दलित समुदाय के लड़के को घोड़ी पर पसंद थी, उसने घोड़ी ले ली तो उसकी हत्या कर दी गई। क्या इस देश के अंदर हम अपनी इच्छा से जी नहीं सकते? इस देश से हम खा पी नहीं सकते? आज जो शोषण हो रहा है इस पर रोक लगानी होगी। तो मैं भारत सरकार से, माननीय उच्च न्यायालय से यह अपील करना चाहूँगा कि जो आपने फेरबदल किया है इसको, जो भूतकाल में जो चल रहा था उसको इसी तरह चलना जाए, और भारत सरकार को इसको रिव्यू करने के लिए, दोबारा से फिर से इसी तरह लागू करने के लिए मैं अपील करना चाहूँगा। नहीं तो आज ये दलित जो समुदाय है उग्र रूप लेकर जो आंदोलन कर रहा है, जिसमें 5 से 7 लोग आज इस आंदोलन में मर चुके हैं, आने वाले दिनों में पता नहीं और क्या हानि होगी जान माल की। इसलिए मैं पूरे दलित समुदाय की ओर से भारत सरकार और उच्चतम न्यायालय से यह कहना चाहूँगा कि जो आपने दलित एक्ट में के बदलाव के खिलाफ जो उच्चतम न्यायालय ने दलित एक्ट में बदलाव और तुरंत गिरफ्तारियों पे रोक और अग्रिम जमानत देने का जो फैसला किया है इस पर रोक लगानी होगी, और भारत सरकार को भी इसको रिव्यू करने के लिए उच्चतम न्यायालय में पिटीशन देकर इस आंदोलन को रोका जा सकता है। तभी दलित समुदाय अपना यह आंदोलन ख़त्म करेगी। नहीं तो 14 तारीख को, 14 अप्रैल को जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म उत्सव है, अगर उस तारीख के बाद अगर जब तक ये फैसला वापस नहीं हुआ, रिव्यू नहीं हुआ, ये आंदोलन और तीव्र गति से पूरे भारत देश में फैलने की मैं आशा रखता हूँ। क्योंकि आज दलितों को कमज़ोर मत समझो, दलित आज दबा कुचला नहीं है। बाबा साहब ने जो हमको कलम की ताकत दी थी, कलम के माध्यम से हम लोग इतनी ताकत बना चुके हैं कि आज कोई भी हमको रोकने की कोशिश करेगा, संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो हम दलित समुदाय के लोग उसको बख्शेंगे नहीं। जय भीम, जय वाल्मीकि।